पूरी तैयारी हो चुकी है और ये व्लॉग पूरा अमृतसर जाने का और मेरे व्रत का थोड़ा सा है। वीडियो पूरा देखना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हालत मेरी देख के लग रहा है कि मैंने फास्ट रखा हुआ है और फाइनली नींद आ गया तो मुझसे मैंने चाय तो पी है, बट ये है कि कल इनको जाना भी है और उसको मुझे वो खाने की प्रिपरेशन करनी है और जब मैं फास्ट रखती फिर मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, जैसे लगता जैसे तैसे टाइम। सुबह 6:30 बजे की ट्रेन है और उससे पहले उठना पड़ेगा, तो मेन तैयारी मैं करके रख रही हूँ। थोड़ी सी फ्राई वाली मिर्चें छौंकूंगी और थोड़ा सा आलू तल दूंगी और बस पराठा बना दूंगी और रोटी थोड़ी सी, क्योंकि कल होल डे की जर्नी है, पूरा दिन कल जर्नी। 10 बजे चांद निकलेगा, बताया 9:45 के आसपास है, तो इसलिए फिर मुझे एक बार शावर फिर से लेना है, नहा के फिर पूजा करनी है, तो मैं पूजा का वीडियो ज़रूर से शेयर करूँगी। हार्डली फास्ट में अब करवा चौथ, एक कजरी तीज होती है और एक ये, और मंथली जो चौथ पड़ती है वो रखती हूँ, पर फास्ट अब जो है वो रखा नहीं जाता, पता नहीं क्यों। पहले मतलब जब अब तो बुढ़ापा नहीं कहेंगे, जब मतलब शादी से पहले थे, कॉलेज भी जाते थे, फास्ट भी रखती थी वीक में, मतलब 3-3 फास्ट अफोर्ड कर ले अफोर्ड ही कहेंगे कि फास्ट को अफोर्ड कर लेती थी, लेकिन अब नहीं होता है, मतलब भूखा नहीं रह जाता मेरे से, क्या प्रॉब्लम है वो पता नहीं है। मैं बात भी करूँ और मेरा काम भी करती रहूँगी साथ में, तो ये मैं आपको दिखा नहीं सकती। मैं अभी देख रहे हैं आप, ये राई को थोड़ा सा दरदरा करूँगी, इसी भी मैंने राई रखी थी और पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। मेरी एक सबसे बड़ी कमी है कि मैं चीज़ें इतना संभाल के रख देती हूँ कि वो फिर वो मिलती नहीं, इतनी ज़्यादा संभल जाती हैं वो, फिर उसको क्या करें। तेल तेज गर्म होने के बाद के चक्कर में उसको गैस को ऑफ कर देते हैं। राजस्थान में मिर्ची जो है वो बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं और सब तीखी नहीं होती है, ऊपर देख रही हूँ नीचे कैमरे में अभी दिख रहा है सही, तो मिर्ची जो है ज़्यादा अलग अलग वैरायटी की मिर्च आती है, और मिर्च मतलब लहसुन मिर्ची की चटनी, मिर्ची टमाटर की चटनी, मेथी मिर्चें, राई मिर्चें, बस मिर्च मिर्च। अगर इसे देखेंगे तो मुझे नहीं देखेंगे, दो बातें हैं, तो इसको छौंक के इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं सॉल्ट, मुझे ज़्यादा कुछ खाना नहीं है, मुझे सिर्फ दूध लेना है साथ में, उबला आलू और उबली शक्करकंदी लेनी है, बस उतना ही खाना है। पूरा दिन मेरा आज ऐसे ही बीत गया, कुछ मैंने करा नहीं है, और अभी 3 तारीख को यहाँ एक फंक्शन है समाज का, यहाँ पे समाज का हिसाब चलता है, जो खत्री समाज है जिनकी हमारे जो गॉडेसेस हैं हिंगलाज माता, तो उनका एक मंदिर बना है, तो उसका जो स्थापना दिवस है, तो कलश यात्रा के लिए मुझे साड़ी दी गई है, लेस दी गई है, तो साड़ी मुझे तैयार करनी है, फॉल मैंने मंगा लिया है, तो मुझे फॉल लगाना है और लेस सोच रही हूँ लगा लूँ, क्योंकि इतने इमरजेंसी में कौन, मैं खुद ही टांग लूँगी, और वो लेस मुझे अच्छी लग रही, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए लगाऊँगी, उसके बाद इसको निकाल दूँगी। और क्योंकि भगवान का काम है और फिर समाज से जुड़ने का काम है इसलिए, और एक बात और यहाँ पे जो है वो अलग अलग, मैंने शायद ने किसी ब्लॉग में बताया भी है कि सबका एक अलग स्पेस है, अग्रवालों का मोहल्ला, तेलियों का वास, जोशियों का वास, ऐसे जो है वो सबका कम्युनिटी वाइज डिवाइड है। आई डोंट नो व्हाई कि सब अपने लोगों में रहना शायद पसंद करते होंगे,
इसे सोशली ऐसे ना लें कि सेकुलरिज्म वाली बात में ना लें, मैं तो जस्ट इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ऐसा हमारे यहाँ पर है। जबकि दिल्ली में जब हम रहते थे तो वहाँ पे तो सब थे, जैनी भी, पंजाबी भी, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, सब मिक्स, ऐसा कोई नहीं था क्योंकि सब बाहर से आके बसे हुए हैं वहाँ, कोई दिल्ली का बेसिक तो है। मोस्टली कम्युनिटी जो लोग हैं, जो आई थिंक 1971 का जो युद्ध हुआ था उस दौरान काफ़ी लोग पाकिस्तान से आके जो यहाँ बसे वो हैं। कई बार मैंने दिखाया होगा यहाँ पे एक बड़ा सा भवन है शिव मंदिर जाते हुए, फिर दिखाऊंगी मैं। तो उस तरह जितने भी लोग हैं वो सारे पाकिस्तान से आके बसे हुए हैं वो। और आप लोग भी कहते होंगे मेरे ब्लॉग में सिर्फ मैं ही आती हूँ और मेरी घर की बातें आती हैं, एक रीज़न तो मैंने बताया था कि जो है एक बंदा उसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि अभी फैमिली के लोग थोड़ा कैमरे के आगे थोड़ा कंफर्ट नहीं होते, अगर होते तो व्हाट्सएप पे जैसे होता है फोटो के आगे बिल्कुल सीधा ऐसा हो जाता है, तो बहुत ही नेचुरल जो होता है वो नहीं रह पाते हैं वो चीज़ है। तो क्योंकि मैं बना लूँ खा रही तैयारी कर लूँ, सिर्फ आटा लगा के रखना बाकी है मुझे, उसके बाद मैं मेरी तैयारी करूँगी, मेरी पूजा की थाली, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और मेरी पूजा भी दिखानी है। तो व्लॉग देखते रहना आप लोगों को, बस फटाफट से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराने हैं जल्दी से। राई डाल दे रही मैं, तो राई से क्या है वो खटास आ जाएगी बढ़िया सी। और मेरा जब भी मन करता है मैं चख लूँ, क्योंकि आदत है ना थोड़ा सा कुछ होता है तो फटाफट उसको चख लेते हैं, तो बार बार आज मन ऐसे ही जा रहा है कि थोड़ा सा चख लूँ ऐसा अच्छे से हो जाए। तो मैं आटा गूंद लूँ, उसके बाद मेरे सारे काम के बाद ठीक है। पूजा की तैयारी हो चुकी है मेरी, देखते हैं। ये देखिए दिख रहा है अमरूद चार बैंगन, चार मूली और चार शकरकंदी, और ये टोटल चार। इसके बाद ये पूजा का सामान है तिल, गुड़, घी की बत्ती, पीला सिंदूर और ये काला, और ये मेरी गौर है। आई थिंक जो यूपी से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा ये सुपारी और गौर बनाते हैं। लगभग कोई फेस्टिवल होता है जो हमारी पूजा पाठ का, करवा चौथ हुआ और कजरी थी, उस पर इन्हीं की पूजा करते हैं, गौर यानी कि माता पार्वती और गणेश जी की, उनको उसका प्रतीक मानते हैं। तो ये लगभग जब तक मैं रहूँगी जिंदा तब तक यही वाली रहेंगी, अगर गाय ख़राब हो जाती है तो फिर हम दूसरे गाय के गोबर से बना लेते हैं और मिट्टी की आचा मिट्टी की गौरी बनाते हैं। ये पीला सिंदूर शुद्ध मानते हैं और दक्षिणा भी इसमें 125 हमेशा रहते हैं, 125 तो मिलती नहीं तो रुपया रखते हैं तो वही हमेशा रखते हैं, बाकी आपकी श्रद्धा जितना। 8 बजे है पानी में चढ़ा देती हूँ नहाने का, अभी 9:45 तक है तो 9 बजे चढ़ाऊँगी करीब। तब तक मैं सोच रही हूँ लड्डू थोड़े बनाने थे वो बना दूँ और इनके टिफ़िन वगैरह भी निकाल लें, वो सब ढूंढना है। अच्छा तो नहीं लगता है क्योंकि उधर ना अब तो आदत सी है अब तो आदत सी हो गई है, मतलब जब हम साथ रहते हैं किसी के तो बिल्कुल हैबिचुअल, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही आदत हो गई है क्योंकि कहीं भी मेरा जाना होता ही नहीं है जनरली, उसका एक रीज़न, उस रीज़न का भी क्या ब्लॉग बनाना पड़ेगा, बनाएंगे। तो पूरा दिन हम लोग साथ, सुबह मतलब अगर कहीं टूर नहीं होता है तो 10-11 बजे तक, 9 बजे तक जितना भी अगर वर्किंग करने जाना, मतलब मेरी 8 या 9 बजे तक साथ में रहते हैं, साथ में चाय, फिर उसके बाद 2-2:30 बजे खाना खाने जाते हैं, फिर कभी जल्दी उधर चले जाते हैं नहीं तो फिर शाम में जाते हैं 4 बजे तक 5 बजे तक कभी अगर लोकल होते हैं तो उस हिसाब से, और फिर रात में 8, 8:30, 9 हार्डली 9 बजे से ज़्यादा लेट नहीं होता है। तो 5 दिन मुझे अकेले रहना है तो उसको देखते हैं कहीं यूटिलाइज़ कर लेंगे, कुछ साफ़ सफाई कर लेंगे,
सफाई तो मेरी कभी पूरी होती ही नहीं है, आप ही पता नहीं क्या। पूजा करते ब्लॉग बनाऊंगी, उसके बाद खोल के बस फिनिश करूंगी, मॉर्निंग में इसको फिनिश करूंगी हस्बैंड के जाने के बाद। सो भी फाइनली चांद निकल गया, मैं जा रही हूँ छत पे पूजा करने, मैंने नहा लिया है, चलिए ऊपर चलो। तो एनी हाउ करते करते राम राम करते करते फास्ट मेरा पूरा हुआ, और अभी मैं व्रत खोलूँगी आलू और एक शक्करकंदी और एक गिलास दूध। टिफ़िन वगैरह सब मैंने पैक कर दिया है और जल्दी से बस जाने की ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो चुकी है, अभी छोड़ने की बात हो रही है, नीचे भैया जा नहीं रहे तो मैं कह रही हूँ कि मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि स्कूटी लेके चले जाएंगे, लेके मैं आ जाऊँगी। तो नीचे गई पर छोड़ने के लिए पड़ोस में कोई मिल गया था तो वो चले गए थे, यानी मैं तैयार होकर गई तो थी नीचे। सो होप सो वीडियो पसंद आया, पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।